के मंसूबों पर केडीए ने फेरा पानी। लीज पर ली गई 229 करोड़ की जमीन को बेचने की थी तैयारी। केडीए से लक्ष्मी रतन कॉटन मिल ने 1960 में लीज पर ली गई जमीन पर बुलडोजर चलवाया है। कॉटन मिल ने सर्वेंट क्वार्टर बनाने के नाम पर ली थी ये जमीन। लीज खत्म होने पर भूमाफियाओं के संरक्षण में जमीन बेचने की तैयारी चल रही थी। केडीए वीसी अरविंद सिंह के निर्देश पर केडीए ने कब्जा वापस ले लिया है। शास्त्री नगर में जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर ने ध्वस्त किया है। प्रवर्तन टीम ने मौके पर खड़े होकर बाउंड्री वॉल निर्माण शुरू करवाया। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केडीए ने बुलडोजर चलाया है। लीज पर जमीन ले रखी थी, लीज खत्म होने के बाद भूमाफियाओं के साथ इसे बेचने की तैयारी थी, जिस पर केडीए ने पानी फेर दिया है। लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स के सर्वेंट क्वार्टर की जमीन का ये मामला है और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ कानपुर से सुनील गुप्ता जुड़ गए हैं। सुनील जी, एक बड़ी कामयाबी केडीए को, काफी समय से जमीन पर भूमाफियाओं की नजर थी। वापस कोशिश करेंगे सुनील जी से जुड़ने की। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केडीए ने जमीन को ध्वस्त किया है और अपने कब्जे में ले ली है। एक बार फिर से सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, जो मामला है, काफी समय से भूमाफियाओं की जमीन पर नजर थी, शहर के बीचों बीच ये जमीन है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज ये केडीए ने कार्रवाई की है, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, खास करके कानपुर के उन रसूखदारों में ये एक बड़ा संदेश दिया है कि अब कोई भी अपने आप को, चाहे जितना बड़ा भूमाफिया हो, अब अगर केडीए के जो डीसी हैं अरविंद सिंह, उनके जो उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई शुरू की है, तो किसी भी भूमाफिया को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उसका एक ये बड़ा उदाहरण है कि जो कानपुर में लक्ष्मी रतन कॉटन मिल के नाम से एक जमीन आवंटित की गई थी 1960 में, जिसको इस जमीन को इसलिए लिया गया था कि वहां पर सर्वेंट क्वार्टर बना करके जो उनके यहाँ के कर्मचारी थे उनको वहां पर रखा जाएगा। क्योंकि जो पहले से नियत वहां पर खराब थी कि कहीं ना कहीं जब ये लीज आगे बढ़ेगी, जब किसी तरीके से ऊपर लेवल पर जब मैनेजमेंट हो जाएगा, तो जमीन को औने पौने दामों में बेच करके उससे एक मोटी रकम अर्जित की जाएगी। तो उस मामले पर कहीं ना कहीं जो उनकी एक मंशा थी, बिल्कुल उस मंशा पर, मंशा थी जो उस पर पानी फिर गया है। केडीए ने जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुनील जी। कानपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स के सर्वेंट क्वार्टर की जमीन को खाली करा लिया गया है।